हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके साथ कुछ गुड न्यूज़ अपनी लाइफ की मेरे को शेयर करनी है। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी 1 फरवरी को अपना एक विजन बोर्ड बनाया था, जिसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि हाँ ये मेरे को अपनी लाइफ में 2023 में पूरी करनी है। देखिए, अब हमें पता है क्या होता है कि जो लाइफ में कुछ चाहिए होता है ना, वो अगर हम एक पेपर पे लिख लेते हैं और उनको पूरा दिन आपके सामने रहता है। मेरे को पता है, मैंने जो ये एक विजन बोर्ड बनाया है ना, इसको यहाँ पर दीवार पे सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जब भी मैं सुबह सो के उठती हूँ, मैं एक बार इसकी तरफ जरूर देखती हूँ और इसमें पढ़ लेती हूँ। मैं बार बार पढ़ती हूँ कि मुझे इस साल क्या क्या करना है। उसके बाद सोने से पहले भी मैं इसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनको अच्छे से देखती हूँ, मेमोराइज करती हूँ कि हाँ यार मुझे ये चीजें हासिल करनी है। और मैं कभी भी आराम करने लगती हूँ या जिस दिन मेरा काम करने का दिल नहीं करता, तो मेरे दिमाग में बार बार ये ध्यान आता है कि नहीं निधि, कुछ लिखे हैं, कुछ चीजें हैं जो तुझे इस साल पूरी करनी है ना। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो, लिख लीजिए जो भी आपको करना है पूरा करना ये है। वैसे विजन बोर्ड मैंने 1 फरवरी को बनाया था, बट मैंने ना कुछ कुछ 1 जनवरी से ले लिया मैंने, फिर भी क्योंकि नया साल होता है पूरा, है ना। तो जब मेरा वजन 68 kg था और मेरा टारगेट है 58 kg, इस साल के आखिरी तक मुझे आना है। और गुड न्यूज एक तो पहली ये है कि देखिये मेरा 66 किलो वजन हो चुका है। मैंने ऑलरेडी पिछले 3 महीने में 2 किलो वजन कम कर दिया है। मुझे मालूम है, अब आप कहोगे क्या 2 किलो किया इतने 3 महीने में, तो हम सारा ही वजन कम कर देते। तो देखिए, मैं बैलेंस तरीके से चल रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरा वजन ना अभी सर्दियों में बहुत गंदे वाला बढ़ रहा था। जैसे मेरा 64 किलो वजन था, फिर 66, 68, 69 तक आ गया था मेरा वजन, और वो बढ़े जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। और आपको पता है मैं कितना मीठा खाती थी, है ना। तो मैंने जब से अपने दिमाग में चीज डाल दी है ना कि निधि तुझे काम करना है, तो अब तब से ना मेरी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी पहले से बेटर हो गई है। और दूसरी चीज, बढ़ नहीं रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि एक महीना तो मेरा पता है क्या हुआ, जनवरी फरवरी 2 महीने तो मेरे वजन बढ़ा नहीं, 68 पे ही था, लेकिन मेरा बढ़ना बंद हो गया। मतलब पहले तो बहुत हर महीने 3 किलो 2-3 किलो ऐसे बढ़ रहा था मेरा वजन अपने आप, तो वो बढ़ना बंद हो गया। चलो ये भी अच्छी लगी बात। फिर मार्च के महीने में वो वजन कम हुआ मेरा, 2 किलो मैंने मार्च में कम किया है। अब अप्रैल में मेरा गोल है कि मुझे फिर से 64 पे लेके आना है, 2 किलो और निपटाना है, कम करना है। सेकंड गुड न्यूज देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब 1 जनवरी को मेरा जो लोन था वो 5 लाख रुपए का था, मैंने सेविंग ना नवंबर के आखिरी से शुरू कर दी थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, 3-4 महीने मैंने सेविंग करी है, ठीक है। मार्च फरवरी में नहीं, एक महीना नहीं की, वैसे करी थी। तो अब मेरा जो ये जो लोन है मेरा, 2 अप्रैल की तारीख है आज मेरा ये लोन मेरे ऊपर जो है वो 4 लाख का रह गया है। और अभी मेरा जो अगला एम है वो है कि इस 4 लाख को 3 लाख पे लेकर आना है जल्दी से जल्दी। इसके लिए मैं सेविंग कर रही हूँ, अब मैं पैसा ज्यादा नहीं खर्चूंगी, एक एम था। तीसरी गुड न्यूज थी कि रसोई की स्लैब, ये वाली, ये मैंने गोल बनाया था कि मुझे करना है इस साल। मैंने जब फरवरी जनवरी फरवरी विजन बोर्ड बनाया था कि मुझे स्लैब गिरवानी है, तो ये मैंने काम कर चुकी हूँ। छप्पर बनवाना था, ये बाहर आपको ये दिख रहा होगा ना, ये वाला, है ना, तो ये काम भी मेरा इस साल का हो गया है। टाइल्स लगवानी थी आंगन में, तो ये छप्पर और टाइल्स, है ना, तो इसका अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा छप्पर है ना, इसको मैं छप्पर बोलती हूँ तो सब हंसते हैं, कहते क्या आप भी छप्पर छप्पर बोल रहे हो इसको। और ये हमारी आगे का ये टाइल वर्क, और ये भी हमने ठीक करवा लिए थे जो भी थे सीवेज सिस्टम के, और थोड़ा बहुत पेंट वेंट भी करवा लिया था जो ठीक करवाना था। टूट फूट भी हमारे घर की ठीक हो गई थी। तो करीबन ये देखो, ये 3 चीजें है ना, ये मेरे एम थे मैंने जो कि विजन बोर्ड में लिखे थे कि मुझे इस साल पूरे करने हैं, तो ये 3 एम तो मैंने पूरे कर दिए, है ना। इन 3 एम्स को और इसमें थोड़ा बहुत और काम करवा के मेरे 50,000 रुपए लग गए थे, बट अच्छी बात यह है कि तीसरी गुड न्यूज की ये काम भी कर दिया, ये भी कुछ तो किया ना, कुछ तो किया, अभी करेंगे धीरे धीरे इस पे भी काम। और ये भी अभी इतना आया है, 4 लाख पे आ गया है, अभी भी है हमारे पास कितने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गए, अभी 9 महीने हैं मेरे पास इस एम को पूरा करने में, 9 महीने में 4 लाख। कोशिश करेंगे, है ना, मेहनत करेंगे तो सब मुमकिन है। उसके बाद नेक्स्ट था, एक गुड न्यूज थी हमारी, 4th थी कुकिंग रेसिपी, 60 थी उसमें से सिर्फ मैंने 2 सीखी हैं अभी तक। यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो अब मैंने लिख ली कॉपी में कि मुझे कहाँ काम करना है, तो मेरे दिमाग में रहता है कि निधि देख तूने जो कुकिंग की जो 60 रेसिपी सीखनी थी इस साल की, उसमें से अभी तक 3 महीने निकल चुकी है और 3 महीने में सिर्फ तूने 2 रेसिपी सीखी है, वो भी बेसन का चिल्ला
और एक वो सूजी का हलवा, वो नमकीन हलवा सूजी का, जिसको कुछ और वो क्या बोलते हैं सूजी के नमकीन हलवे को, मतलब जो सूजी को भून के उसको नमकीन छोक लगा देते हैं, उपमा बोलते हैं ना शायद, हाँ वो दो रेसिपी हैं जो मैंने सीखी हैं अभी तक। तो इस यहाँ पे मुझे काम करना है, पता है ना, लिख रखा है तो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो विहान की हेल्थ, मैं कोशिश कर रही हूँ यार विहान की हेल्थ अच्छी हो जाए, इसके लिए मैं फ्रूट्स ला रही हूँ। फ्रूट्स पे मैंने खर्चा बढ़ा दिया है अपना, है ना, खाने पीने पे। ये तो भाई भगवान की पूजा करेंगे, भगवान से मांगेंगे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तभी भगवान जी करेंगे ठीक। बाकी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि विहान सही हो जाए। 50 बुक्स पढ़नी थी, मैंने कितनी पढ़ी, एक भी नहीं पढ़ी अभी तक। देखो 3 महीने निकल चुके हैं और मैंने एक किताब नहीं पढ़ी अभी तक। बाकी 9 महीने में मुझे 50 बुक्स पढ़नी है, तो टाइम निकालना पड़ेगा इस काम के लिए, है ना। मूवी 55 फिल्में सोचा था इस साल मैं देखूंगी, और पिछले 3 महीने में मैंने टोटल 2 फिल्में देखी हैं। और उसके बाद दोनों हॉरर, एक तो द नन देखी थी, हॉरर मूवी है ना वो देखी थी, दूसरी भी हॉरर ही देखी थी जहां तक मुझे याद है, और फिल्में मैंने नहीं देखी। ये मेरे को देखनी है, देखते हैं कब टाइम लगता है ना। तो अभी मेरा इन्हीं चीजों पे फोकस है कि मुझे क्या क्या करना है। तो एक मेरा था क्लोज फाइंड लव, इसमें आपको मैं थोड़ा डिटेल में चीज बताती हूँ। देखिए फाइंड लव का मतलब आप दो तरीके से ले सकते हो, एक तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिससे आप प्यार करो और आप किसी अपने लाइफ में प्यार लेकर आओ, एक होता है दूसरा तरीका प्यार करने का कि आप खुद से ही थोड़ा सा प्यार करने लग जाओ, अपने आप को पसंद करो, अपनी जिंदगी को खुल के जियो। तो दोनों ही तरीके हैं, जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप दूसरे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप सेल्फ लव सबसे जरूरी है, आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात, यहाँ पे अगर मैंने लव की करी है ना कि फाइंड लव अगेन, तो उसका मतलब ये है कि देखिए मैंने अपनी जिंदगी में अपना लाइफ पार्टनर खोया, उसके बाद मैंने बहुत कुछ सहा, मेरे को मनहूस क्या पति को खा गई, पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने सहन करी, लोगों की चीजें सहन करी, लोगों के होता नहीं है कि लोग उंगली उठा रहे हैं, मतलब वो टाइम तो बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा था, है ना, ये ऐसी है वैसी है ये है वो है, मतलब बहुत चीजें सहन करी। तो ऐसे में ना इंसान अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देता है, उसको लगता है कि यार हम में कोई कमी थी, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, ये हुआ क्या हम यही डिजर्व करते थे अपनी जिंदगी में, क्या हमारी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं चल सकती थी, हमारे दोस्त इस उम्र में अच्छे से खुश हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे में क्या कमी थी, क्या मैं सुंदर नहीं थी, मैं अच्छी नहीं दिखती थी, मैं लंबी नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे में क्या कमी थी जो मेरे साथ ये चीज हुई। इंसान खुद से सेल्फ डाउट करने लग जाता है जब उसके साथ कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जो सेल्फ लव की बात कर रही हूँ, फाइंड लव मीन्स अपने आप को फिर से फाइंड आउट करना, है ना, क्योंकि आप खुद की अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हो, तो हमें वो, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस वापिस चाहिए, वो निधि वापिस चाहिए जो हमेशा हंसती रहती थी, है ना, अभी भी हंसती हूं मैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से वो होता है ना, वो चीज निकालनी है बाहर, है ना, और एकदम खुश होके अपनी लाइफ को फुल्ली जीना है, है ना। तो वहां पे आप पहला लव खुद में फाइंड आउट करना है ना। तो ये सारे जो एम्स हैं मेरे, जो मैंने आपके साथ दोबारा से मैंने बताए हैं, ये मेरे 2023 के एम्स हैं। तो इसमें मुझे कमेंट्स बार बार आते हैं कि आप एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है वो, और सेकंड है कि हेल्थ इंश्योरेंस, वो दोनों भी ऐड कर लीजिए। पर बहुत ज्यादा टेंशन्स कम लेती हूँ चीजों को, मतलब मुझे, मेरे को एक पाथ मिल चुका है कि हाँ नीति तेरे को ये काम करना है ना। तो ठीक है यार, लाइफ में थोड़ा खुश रहने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए, और मैं कर रही हूँ वही दिन, डे बाय डे मैं कर रही हूँ, खुद पे वर्क कर रही हूँ, है ना। कम से कम सिंगल भी हो तो अच्छे तो दिखे, कम से कम अच्छे तो लगे ना, अपनी पर्सनैलिटी तो बनाए अच्छी, है ना, कम से कम 4 लोगों के सामने जाए कम से कम अच्छे लगे, समझ रहे हो वो चीज आप। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ हम फिर भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत है, वो हमें कुछ ना कुछ, कहते नहीं कि अगर हम मेहनत करें या खुद से पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है लाइफ में। तो जो नहीं है उससे अलग जो हो सकता है लाइफ में, पॉसिबिलिटीज हैं पॉजिटिवली, उनकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे ज्यादा, तो वो लाइफ में हमें ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है, हमें ज्यादा अच्छे से कामयाबी दिलवा सकती है। तो वही मैं चाहती हूँ आज के टाइम में, कि मैं मेहनत करूं और नेगेटिव ना सोच के अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचूं जितना हो सकता है ना, ताकि लाइफ में बहुत तरक्की करूं और अच्छे से अच्छे मुकाम को मैं हासिल करूं।
ठीक है जी, चलिए, पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आए ना आए, आपको अच्छी लगे नहीं लगे। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो का ना बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, यूट्यूब का जो होता है ना, क्योंकि मुझे अभी मैंने अभी बैकएंड पे चेक किया तो मुझे पता चला कि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है, तो वीडियो टाइम से नहीं मिल रही आपको, है ना, बहुत सी बातें हो रही है मैंने देखा है। क्योंकि जो यूट्यूब रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना वीडियोज़ की, उसमें तो क्लिक बिट बहुत अच्छी है, मतलब लोग मेरी वीडियो खोलते हैं अगर यूट्यूब रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है, तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपकी आजकल आप वीडियो नहीं डालते, आपकी वीडियो नहीं आती। ये बात कोई पड़ोस का मुझे आके बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं रोज दिन की 3 वीडियो डालती हूँ लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही। और उनको बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको इतना ज्यादा सर्च करना वगैरह नहीं आता, उनके सामने आ जाए वीडियो तो वो देख लेते हैं, बट वो यूट्यूब की तरफ से नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज बेल आइकन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब के भी अगर मतलब अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, है ना, क्या रीजन है मुझे पता तो नहीं क्यों नहीं आ रहा आपके पास वीडियो। चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। आप इस वीडियो का चलो मैं यही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।